आज फ्रेंड हम बनाने जा रहे हैं आलू बहारे की चटनी, जिसमें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ये रहे। 300 ग्राम हमारे पास आलू बहारा, जिसे मैंने पानी में 1 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था, थोड़ा सा सा नरम हो जाए। साथ ही हमारे पास है 250 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चारे मग्स, ये 15 ग्राम पिस्ता, काजू और एक चुटकी पिंच जो है हमारे पास इलायची का पाउडर होगा, और 100 ग्राम बादाम, और ये हमारे पास आधा लीटर पानी। और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी शामिल करेंगे कढ़ाई में, और इसके बाद जैसे पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जी फ्रेंड्स, पानी जो है वो गर्म हो चुका, अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसके अच्छे हल होने तक इसे पकाएंगे। चीनी को अच्छी तरह हल होने देंगे जब तक ये पानी में अच्छी तरह डिजोल्व नहीं हो जाती। चीनी डिजोल्व हो चुकी है, अब इसमें हम आलू बुखारा शामिल करेंगे। अब जो है आलू बुखारे को 20 से 25 मिनट लगेंगे जब तक ये सारा जो सीरम की तरह थिक नहीं हो जाता, और हम इसे अब ढक देंगे। साथ ही आलू बुखारे को चेक करते रहें कि जो हमारा प्रोसीजर है वो अच्छे से चल रहा है, बेहतरीन जी। ठीक है जी, हमारा जो आलू बुखारा है वो अपनी जो सही कंडीशन है, जो थिकनेस है, उसमें आ चुका है। 20 से 25 मिनट्स इसे लगे हैं, और अब हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले क्या शामिल करना है मम्मा बताएं? चारे मग्स शामिल करते हैं, इसमें पिस्ता शामिल कर दिया है, काजू और बादाम, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चुटकी इलायची पाउडर, अब एक चुटकी इलायची पाउडर, चीनी की स्मेल खत्म कर देंगे। और इलायची पाउडर इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा मीठी चीज़ में, ताकि हम जो चीनी की स्मेल है उसे ख़त्म कर सके, और जो हमारे डिश है जो भी हम तैयार कर रहे हैं उसमें से अच्छी खुशबू आए। चलें जी, हमारा जो आलू बुखारे की चटनी है वो रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।